मुझे छोटों का साथ और बड़ों का आशीर्वाद चाहिए। मैं आप लोगों से एक निवेदन करना चाहता हूँ, जो भी भाई शर्मा लिखते हैं ब्रैकेट में कृपया विश्वकर्मा लिखिए, क्योंकि एकता में ही ताकत होती है, एकता में ही सारी शक्ति छुपी है। आज देश को आजाद हुए लगभग 75 वर्ष हो गए, लेकिन विश्वकर्मा समाज को आजादी अभी भी नहीं मिली है। 403 विधानसभा है पूरे उत्तर प्रदेश में, और ऐसा कोई विधानसभा नहीं जहां आपकी आबादी कम से कम 25,000 से शुरू ना होती हो। 25,000 से शुरू होने के बावजूद आज तक आपका कोई भी भाई, आपका कोई भी लाल, आपका कोई भी बेटा निर्वाचित होकर ना विधानसभा पहुंच पाया, अनिर्वाचित होकर ना ही लोकसभा पहुंच पाया। तो इसके पीछे कारण मात्र एक है, यही शर्मा लिखना, पंचाल लिखना, जांगिड़ लिखना, जांगड़ा लिखना, बर्मा लिखना। इसीलिए मैं आप लोग से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि विश्वकर्मा भगवान के 5 पुत्र थे, 5ों पुत्र में बंटवारा मत करिए, 5ों लोग एक हो जाइए। आपके पास वो ताकत है कि आप सत्ता को पलट सकते हैं। जब हम लोग इसी अभियान को लेकर उत्तर प्रदेश में निकले विश्वकर्मा समाज के बंधुओं को जोड़ने के लिए, तब उत्तर प्रदेश की सरकार हम लोगों को रासुका लगाकर जेल भेजती है, कभी घर गिरा देती है, लेकिन हम लोग अपने अभियान को और अपने कारवां को रोके नहीं है। मैं 4.5 साल सरकार की हो गई, भाजपा सरकार की 4.5 साल में 18 महीना मैं जेल में रहा हूँ, लेकिन जज्बा कम नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी कहती थी सबका साथ सबका विकास, बताइए भाई सारे लोग उन पर विश्वास किए, सबका साथ तो ले लिए लेकिन सबका विनाश कर दिए। बताइए आज नौजवान परेशान है कि नहीं रोजगार के लिए, आज छात्र परेशान है कि नहीं, आज व्यापारी परेशान है कि नहीं, सारे लोग आज परेशान हैं, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकना है तो सारे लोग को एकजुट होकर एक स्वर में समाजवादी पार्टी के मुखिया आदरणीय श्री मुलायम सिंह यादव जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को अपना समर्थन और अपना वोट दीजिए। जब वो 2022 में मुख्यमंत्री होंगे सबका कष्ट हर लेंगे, ये विश्वास मान लीजिए। जो समाज के लोगों को एक साथ लेकर चल सकता है तो मात्र वो अखिलेश भैया है, और कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है। नौजवान साथियों, मैं जब इस अभियान के प्रारंभ में जब चलना शुरू हुआ तो एक दो लोग मिलते थे, मैं इस मंदिर पर आज से 3 साल पहले भी आया हूँ, मैं आज से तीन वर्ष पहले भी इस मंदिर पर आकर जा चुका हूँ, तब संख्या कुछ कम थी, आज संख्या